कोसी बराज पर है और ये कोसी बराज की सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। कहा ये भी जा रहा है कि पहली बार इस तरह का मंजर जो स्थानीय युवा है वो देख रहे हैं और इसे देखने के लिए काफ़ी दूर दूर से लोग पहुँचे हुए। देखिए फिर से एक बार फिर जो कोसी सीमांचल इलाके में बाढ़ का जो कहर है वो बरपाने वाला है और इसको लेकर जो 56 फाटक है वो खोल दी गई है। देखिए तराई क्षेत्र में लगातार बारिश के कारण जो है ये समस्या उत्पन्न हो चुकी है और यहाँ पर स्थानीय लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे भाई पहली बार इस तरह का माहौल देखेंगे, क्या देखने के लिए आए थे आप? सब देर ऐसा माहौल देखते क्या देखने के लिए आए थे? वही पानी देखने के आए थे, सब देर देखते पानी, पानी क्या लग रहा है, बढ़ा हुआ है क्या? नहीं, पानी जितना हर साल इतना पानी रहता है, इतना पानी, हाँ इतना पानी हर साल रहता है। क्या माहौल है यहाँ का अभी? यहाँ का बहुत खराब स्थिति है, जितना कैपेसिटी कोसी के बैरेज का नहीं उससे दुगुना पानी आ चुका है। क्या माहौल इससे पहले का क्या माहौल था और आपके माहौल की क्या? इससे पहले तो माहौल बहुत शांतिपूर्ण माहौल था, आज वो पूरा अफरा तफरी मच गया ये पानी के चलते, पानी के कारण हुआ जी। कितने सालों के बाद ये मंजर देखना पड़ा आप लोगों को? ये लगभग आपको जो है ना 8-10 साल, 10 साल जो, हाँ 10 साल के बाद ये मंजर, 10 साल के बाद ये मंजर दिखाई पड़ रहा है। कौन है? देखिए और क्या क्या स्थिति है यहाँ की, क्या हुआ, क्या स्थिति है यहाँ, क्या देख रहे हैं? नॉर्मल है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पानी वगैरह सब कुछ। ये पानी होने से क्या होगा, ये पानी होने से क्या होगा, ये पानी कौन लाया? जब 2008 में कोसी का तटबंध फूटा था तब इतना पानी नहीं था, अच्छा 1,64,000 समथिंग पानी था, अभी 6 लाख क्यूसेक पानी हो चुका है और 56 ढोका खोला गया। इतिहास में ये 56 ढोका कोई सामान्य गप नहीं, इससे पहले भी खोला गया था लेकिन एक महीना के अंतराल में लगातार डबल 56 ढोका खोला गया। इसका मेन कारण कौन है पता है आपको? जो नेपाल और भारत का मेन कर भारत का जो कंपनी वाला सब है ना, माल मिलानी .com काम करने वाला सब, कोसी में सबसे मेन खतरनाक अवस्था है बालू का, अगर सिर्फ बालू का कंट्रोल हो जाए ना तो कोसी पुल अभी भी 1,000 साल चलेगा। ये अफवाह सिर्फ है, कोसी का पुल का आयु समाप्त हो गया, कुछ नहीं हुआ। महीने में 2 बार फाटक खुला गया, लगातार 1.5 महीना नहीं हुआ, इससे पहले 56 फाटक खोला था। आप लोग ये सोचते होंगे कि लगातार खोला है, मतलब 56 साल के बाद खोला, 50 साल के बाद खोला, इससे पहले एक बार हुआ था 26-27 साल के बाद एक बार फाटक खोला गया था, आज से 1.5 महीना पहले 56 फाटक खोला गया था। वो किसके लिए पता है? इसका रंग रोहन है सिर्फ, ऊपर से चकम चमकदार, भीतर से खमकदार, अच्छा। सब माल मिलानी .com का कमाल है। रह गया बात क्या, ये फाटक जो आज खुला हुआ है इसका मेन कारण है, क्यों इतना जो कंपनी वाला है ना, जो कुसा बांस से लेकर यहाँ तक काम करता है, वो लोग सिर्फ बांध का रिपेयरिंग करता है और कोसी में बालू का अवस्था ऐसा भयावह है, अभी 6 लाख क्यूसेक पानी है हरा हरी, इसका डबल कीजिए 12 लाख क्यूसेक कीजिए, कुछ बालू का भी मात्रा रखिए ना, तभी भी इस पुल में कुछ नहीं हुआ है और होगा भी नहीं। ये पुल बनाया है मानव ने नहीं, इसका देन है भगवान का, ये बात समझ लीजिए, ये पुल बनाया मानव ने लेकिन इसका देन है भगवान का, ऊपर वाला के कृपा से पुल टिका हुआ है, नहीं तो एक झटका में, सुनिए ये रोड है ना रोड, इस रोड में एक बार में, इस रोड में हाईवे में एक बार में 4 गाड़ी सिर्फ जा सकता है, अगर 8 गाड़ी घुसा देंगे तो क्या होगा, वैसे ही है ये पुल में 7.5 क्यूसेक पानी छोड़ा जा सकता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन रोनियार है। क्या स्थिति है यहाँ का? स्थिति तो अभी बहुत ख़राब है क्योंकि 5.5 लाख से ऊपर पानी अभी तक छूट चुका है, पानी बारिश तो हो ही रहा है, पानी बढ़ने का और संभावना है, बांध का भीतर जो लोग बसे हुए हैं उसका स्थिति बहुत गंभीर हमको बुझा रहा है, अभी तक कोई व्यवस्थित नहीं देख रहे हैं और 56 साल का बाद सुनने में आया कि इतना पानी आया है, पानी बढ़ने का और संभावना है, देखिए तो कैसे क्या नज़ारा देखने का मिलेगा लोग को, हमको नहीं बुझा रहा है कि ये सही स्थिति लोग को रहेगा यहाँ जो पोजीशन अभी है। तो अभी क्या लग रहा है 56 फाटक खुल जाने के बाद क्या स्थिति उत्पन्न हो? नहीं 56 फाटक खुलने के बावजूद भी अभी पानी का स्थिति बहुत समस्या खराब है क्योंकि पानी अभी 5.5 लाख से ऊपर हो गया है, पानी बढ़ने का और संभावना भी हो रही है। भगदड़ का जो लोग को तो डर का माहौल, तो जैसे 2008 में बाढ़ आई थी, कुसाम जो बांध टूट गई थी उससे बहुत लोगों को बहुत कठिनाई झेलना पड़ा,
तो उसी का दहशत लोग को बना हुआ है, जब फिर अगर कोई किसी तरह का मुसीबत अगर हो जाएगी तो लोग को कठिनाई का सामना करने में बहुत दिक्कत होगी। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुसारू शर्मा, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत परमानंदपुर, प्रखंड बसंतपुर, जिला सुपौल। ताज़ा, चलिए देखिए ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, और देखिए किस तरह से नेपाल पुलिस जो है यहाँ पर डट कर सामना जो है यहाँ पर कर रही है। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से चाक चौबंद की व्यवस्था है, तमाम जो नेपाल पुलिस है वो तैनात है, और हर एक परेशानी को समझने के लिए, झेलने के लिए वो यहाँ पर खड़े हैं। देखिए ये तस्वीर हम आपको, सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कोसी बराज की, और 56 फाटक खुलने के बाद किस तरह से यहाँ पर लोग